नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह के कथित आत्महत्या का मामला और भी रहस्यमय होता चला जा रहा है। अब इस मामले में ताजा जानकारी यह है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया गया। बिहार पुलिस ने मामले पर आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने जबरन उन्हें क्वारंटीन कर लिया। इस बात की जानकारी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करते हुए दी, जिसमें लिखा है, यह है बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी, जिनको मुंबई में 11 बजे रात में जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने वाली टीम का नेतृत्व करने गए थे, अब ये यहां से कहीं निकल नहीं सकते। इससे पहले भी महाराष्ट्र पुलिस पर बिहार पुलिस को सहयोग न करने का आरोप लगता रहा, लेकिन मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी की ओर से जिस तरह से क्वारंटीन कर लिया गया, इसे लेकर फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी से पूछा गया कि क्या उनका मुंबई आना बिहार और मुंबई पुलिस के बीच खराब कोऑर्डिनेशन का नतीजा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी जांच की एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत उन्हें यहां भेजा गया। जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह मामले में पिता केके सिंह की ओर से पटना के राजीव नगर थाने में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर कराया गया। एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिसकी जांच करने के लिए बिहार पुलिस की 3 सदस्य टीम मुंबई गई। इसी टीम को लीड करने के लिए विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे, जहां मुंबई पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए, आए लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पब्लिक सीबीआई की मांग तो कर रही है। पब्लिक का परसेप्शन जो है वो यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन सर, जनता जो है वो सीबीआई की भी मांग हो रही है। सीबीआई की जनता की सवाल है ना, आप समझिए ना। जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं, तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं।